नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। क्या बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? यूक्रेन में क्यों उतरा पुतिन का महायुद्ध? महायुद्ध का हर अपडेट देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप नाइन। यूक्रेन युद्ध अब न्यूक्लियर ट्रिगर के करीब है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने कहा कि रूस के न्यूक्लियर वेपन अब बेलारूस में रेडी टू अटैक मोड में रखे गए। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से न्यूक्लियर बमों के रिमोट पर कंट्रोल की भी इच्छा जताई। केरसोन में रूस की रॉकेट फोर्स अब मिलिट्री ऑपरेशन को लीड कर रही है। यूक्रेन की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए रूस के MLRS सिस्टम धुआंधार रॉकेट दाग रहे हैं। इस बारूदी बौछार से यूक्रेन के तोपखाने को भी नुकसान पहुंचा है। बाखमुत बॉर्डर पर रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का UR-77 वेपन से जवाब दिया। रूसी फौज ने UR-77 वेपन से बैक टू बैक रॉकेट दागे। रूस के भीषण बारूदी बौछार का यूक्रेनी फौज सामना नहीं कर पाई। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। परमाणु युद्ध की आहट के बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी एयरफोर्स को अब F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि इस साल के अंत तक यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से लैस होगा और रूस पर जवाबी एयर स्ट्राइक करेगा। रूस ने पहली बार महाविनाशक S-70 अनमैन्ड ड्रोन से यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक की है। 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला S-70 अनमैन्ड ड्रोन 6000 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है। इस ड्रोन में 3 टन बम और कई किलर मिसाइल लोड हैं। रूस ने ज़ापोरिज़्या से लेकर कीव तक ड्रोन हमलों को तेज कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि बीते 24 घंटे में रूस के 6 कामिकाजी ड्रोन ध्वस्त किए गए। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रूस को ईरान से मिले ड्रोन को मार गिराया। न्यूक्लियर टेंशन के बीच बाल्टिक देश लिथुआनिया अब यूक्रेन को 2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम नेजम्स देने वाला है। इस डिफेंस सिस्टम से 40 किलोमीटर की रेंज में रूस की मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। न्यूक्लियर खतरे के बीच ब्रिटेन में यूक्रेन के नए सैनिकों की वॉर ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है, तो बीते साल 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को तैयार किया गया था। वैगनर फोर्स की बगावत के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। अब उन्होंने वैगनर फोर्स का विकल्प तलाश लिया है। वैगनर ग्रुप के सैन्य अभियान को अब चेचन फोर्स पूरा करेगी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सीक्रेट मिशन सौंपे जाएंगे।